नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले की क्लास में हमने मुंशी प्रेमचंद की नमक का दुर्गा कहानी है, इस नमक का दुर्गा कहानी का परिचय प्राप्त किया था कि इस कहानी का जो नायक है वो कर्तव्य प्रायण है, वो ईमानदार है। कहानी का नायक जो है बंशीधर, वो कर्तव्य प्रायण है, और वे ईमानदार है। अपना जो पद है उस पद के जो दायित्व हैं उन दायित्वों को वो पूरा करता है, और नमक का जो कारोबारी है पंडित अलोपोदीन वो अपनी गाड़ियों को निकालने के लिए ले जाता है। तो ये हमने एक नमक का दुर्गा कहानी का परिचय प्राप्त किया था। मूल उसमें यही है कि बंशीधर जो है वो एक ईमानदार व्यक्ति है, और धर्म और धन की लड़ाई होती है, और वो किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से या अपनी ईमानदारी से हटता नहीं है, और उसको इसकी सजा भी मिलती है, वो सस्पेंड होता है। लेकिन बाद में अंत में जो है कहानी के अंत में अपन ने परिचय प्राप्त किया था, कहानी को पढ़ा नहीं था। कहानी के अंत में जो है पंडित अलोपोदीन बंशीधर नायक को ही जो है अपने सभी संपत्ति का, संपूर्ण संपत्ति का मालिक बना देता है। इस तरह से हमने कहानी का परिचय पढ़ा था। नमक का दरोगा प्रेमचंद, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। ईश्वर प्रदत्त वस्तु यानी नमक जो है, इस नमक को क्या माना, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, क्योंकि ये जो है नमक जो बनता है वो किसी झील या किसी समुद्र के किनारे बनता है, तो ये ईश्वर प्रदत्त जो है। तो इस वस्तु के व्यवहार व्यापार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से, अधिकारियों के पोवारे थे, क्योंकि चोरी छुपे जो है काली कमाई थी वो, और जो है वो सफेद सोना था, नमक जो क्या था सफेद सोना था, और व्यापारियों के क्या हो रहे थे, पोवारे हो रहे थे, चोरी छिपे वो उसका व्यापार करते थे, कोई चालाकी से अधिकारियों के पोवारे थे। पटवागिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जो ललचाता था, वकीलों का भी जी ललचा था, यानी नमक का दरोगा जो है, नमक का इंस्पेक्टर, ये जो पद है ये पद अत्यधिक उस समय में महत्वपूर्ण था, और वकीलों के भी क्या है जी ललचाते थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, फारसी का प्राबल्य था, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के कारण श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी दालोक सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यानी बंशीधर जो है वो रोजगार की खोज में निकलते हैं, यानी संपूर्ण जो है अपनी पढ़ाई करने के पश्चात, कि उस समय फारसी और उर्दू और अंग्रेजी जो है शासन व्यवस्था की पढ़ाई की जाती थी, तो बंशीधर भी अपनी जो है पढ़ाई करने के पश्चात जो है रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हैं। उनके पिता, किसके पिता, बंशीधर के पिता, एक अनुभवी व्यक्ति थे, और जब वो रोजगार की खोज में निकले या रोजगार की तलाश में निकले तो उनके पिता ने उनको समझाया कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं।
यानी घर की दुर्दशा और घर की जो है माली जो हालत है उसको देखते हुए बंशीधर के पिता उस अपने जवान बेटे को ये चीज समझाते हैं कि लड़कियां हैं उनकी शादी करनी है, वो घास फूस की तरह बढ़ती जा रही है। मैं कंगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, मैं कंगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। कंगारे का वृक्ष है का मतलब है कोई वृक्ष किसी किनारे पर खड़ा है और पता नहीं नदी का कब तेज झोंका आ जाए, कब तेज बहाव आ जाए जिसमें वो वृक्ष जो है गिर जाए। कहने का अर्थ क्या है, बंशीधर के पिता कहते हैं कि मैं अब उम्र के अंतिम पड़ाव पे हूँ, मेरी उम्र हो गई है, पता नहीं कब मैं जो है मृत्यु के आगोश में समा जाऊं। मैं कंगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, नहीं मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तियार हो, नौकरी में औधे को की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। नौकरी में औधे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। कि लोग बाग जो है पीर के मजार पे आते हैं और एक दो रुपए सिक्का डाल जाते हैं। तो अनुभवी पिता अपने बेटे को समझा रहे हैं कि नौकरी पर ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यानी पद की ओर ध्यान मत देना, पद जो है वो तो मजार है, पीर की मजार है, यानी मजार पे लोग बाग आते हैं और कुछ चढ़ा के चले जाते हैं। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है। यानी बंशीधर के पिता अपने बेटे को जो है ये समझा रहे हैं, घर की माली हालत आप देख रहे हो कि घर की क्या माली हालत है, कैसी घर की दुर्दशा है और घर गरीबी के ऋण से बोझ के तले दबा हुआ है। ऊपर से दो बेटियां हैं वो भी घास फूस की तरह भटती ही जा रही हैं, उनकी भी शादी करनी है और पद जो है वो तो क्या है, पीर की मजार है। पद को उन्होंने पीर की मजार बताया, लेकिन चढ़ावे के ऊपर जो है ध्यान देना, चढ़ावे और चादर के ऊपर ध्यान देना। और वेतन को यहाँ पर वेतन जो है मासिक वेतन उसको तो उन्होंने पूर्ण मासी का चांद बताया है, पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और धीरे 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 खत्म होता जाता है। तो वेतन जो है वो पूर्ण मासी का चांद है। पूर्ण मासी का चांद बंशीधर के पिता ने क्यों बताया है, इसलिए बताया है कि वेतन जो है वो एक महीने में एक बार मिलता है और वो भी धीरे 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 जैसे जैसे महीना खत्म होता है वैसे वैसे वेतन भी खत्म होता जाता है, जिस प्रकार से पूर्ण मासी का चांद एक दिन दिखाई देता है। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, ऊपरी जो आय है उस ऊपरी आय को जो है बंशीधर के पिता बता रहे हैं स्रोत, बहता हुआ स्रोत, यानी ये हमेशा बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी आय जो है ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, सदैव जिससे प्यास बुझती है, यानी ये बहता हुआ स्रोत है। आपके यहाँ रोज जो है जेब में दो नंबर के पैसे आएंगे जिससे रोज आपकी जो है प्यास बुझेगी। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। यानी बंशीधर के पिता का ये मानना है कि वेतन जो है वो तो मनुष्य देता है लेकिन ऊपरी जो आय है वो ऊपरी आय ईश्वर देता है और इसी से बरकत होती है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं बुद्धिमान हो, विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। यानी बंशीधर के पिता बंशीधर को एक व्यवहारिक जो स्थिति है उस व्यवहारिक स्थिति का ज्ञान देते हैं,
जब वो रोजगार की तलाश में निकलता है, कहीं इधर उधर नौकरी की तलाश करता है, तब वो अपनी सारी परिस्थितियों का, अपना उम्र भर का जो व्यवहार है, उम्र भर का जो व्यवहारिक जो बातें हैं या जीवन की जो व्यवहारिकता है, उस जीवन की व्यवहारिकता की शिक्षा बंशीधर के पिता यहाँ पे बंशीधर जी को दे रहे हैं। तो तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। इस विषय में विवेक की हमेशा व्यक्ति को जो है विवेक से काम लेना चाहिए और विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो। मनुष्य को देखो और उसकी आवश्यकता को देखो, यानी जितना ज्यादा मनुष्य की अंगुली दबी होगी किसी पेड़ के नीचे और उस वो अंगुली को निकालना चाहेगा, तो वो उसकी आवश्यकता को देखो कि ये कितनी इसके लिए ये चीज आवश्यक है। तो मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझे करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। कितनी व्यवहारिक शिक्षा दे रहा है कि गरज वाला जो व्यक्ति है, जिसकी गरज है, उस गरज के साथ वाले व्यक्ति के साथ जितना हम कठोरता पूर्वक व्यवहार करेंगे, उतने में ही हमारा लाभ ही लाभ है। क्योंकि उसको गरज, उसको अपना काम जो है, अपना काम निकलवाना है। गरज किस बात का? नमक का व्यापार वो करते थे। तो गरज वाले व्यक्ति को कठोरता से व्यवहार करने से लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों की निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी जन्म भर का जो उम्र भर जो उन्होंने किया, जो सीखा संसार से, जमाने से, समाज से, तो उस उम्र भर की कमाई को वो अपने बेटे को समझाता है, कहता है, व्यवहारिक ज्ञान देता है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तर संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आसलता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जैसे ही बेटा शगुन या अच्छे मुहूर्त में निकला, जैसे ही निकला और जाते जाते प्रतिष्ठित पद पे जो है उनकी नियुक्ति होती है और ऊपरी कमाई की तो कोई सीमा ही नहीं है। ये जब समाचार मिलता है तो जिन महाजनों का उन्होंने कर्ज लेकर ले रखा था, वो महाजन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे या हृदय से पिघलने लगे। वृद्ध मुंशी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरक पड़े, कलवार की आशा लता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। इस प्रकार से कहानी का एक पार्ट जो है यहाँ पे समाप्त होता है। तो जाड़े के दिन थे, सर्दी का समय था, जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के सिपाही और चौकीदार जो क्या है, सब नशे में मस्त थे। मुंशी प्रेम मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। यानी नमक का जो अफसर था, नमक का जो दफ्तर था, नमक का जो दफ्तर था, उस दफ्तर के पास से जो है नाव बहती थी, तो उस नाव पे भी एक पुल बना हुआ था।
दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क मैंने भ्रम को पुष्ट किया, वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी, डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? यानी नमक का दरोगा जो है डांट करके अपनी वर्दी पहन के तमंचा जेब में लेकर के घोड़ा लेकर के और नदी के पुल पे जा पूछा और कड़कड़ा करके बोला, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी, तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपोदीन की। तब आज सबसे आगे आगे जो चल रहा था उसने कहा, पंडित अलोपोदीन की गाड़ियां हैं, पंडित अलोपोदीन की गाड़ियां हैं। कौन पंडित अलोपोदीन? दमक का दरोगा जो है बंदूक जोर से कहता है, कौन पंडित अलोपोदीन? दाता गंध के मुंशी बंशीधर चौके, पंडित अलोपोदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो? व्यापार भी लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते, बारह मास सदा वर्ष चलता। यानी बड़े व्यापारी, बड़े रसूल वाले व्यक्ति थे पंडित अलोपोदीन। तो बंशीधर को उनके बारे में जानकारी थी कि ये लाखों का कारोबार जो है करते हैं, कौन? पंडित अलोपोदीन। और अंग्रेज जो अफसर हैं वो भी इनके इलाके में आते हैं और इनकी मेहमानबाजी जो है स्वीकार करते हैं। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। यानी बंशीधर ने पूछा कि इन गाड़ियों में क्या लदा है, क्या माल है, इस पर क्या जो है सन्नाटा छा गया और कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। सन्नाटा छा गया, दरोगा साहब का संदेह और भी बड़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, तुम सब गूंगे हो गए हो, हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटला, भ्रम दूर हो गया, यह नमक के डले थे। इस तरह से बंशीधर का जो भ्रम था वो दूर हो गया और इन गाड़ियों में क्या लदा है ये देख करके वो जो है। चलो मित्रों, अगला इसका तीसरा पार्ट जो है हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।